Hey guys, good morning. My name is Ankit and welcome back to our channel. So how are you? I hope you all are doing very well. So मैं आज भी बात करने वाला हूँ IPS AFO के प्री रिजल्ट के बारे में, बिकॉज अभी काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है ये काफ़ी रिजल्ट, क्योंकि अभी मैं सुबह 7 बज रहे हैं अभी, तो आज का दिन शुरू करने वाला था, तो मेरे दिमाग में ऐसे थोड़ा सा है कि मैं शेयर करूँ मेरे, क्योंकि काफ़ी सारे चैनल्स पे इस बारे में अपडेट आ रही है, तो मैंने कहा सारे फेक ही है और मैं भी ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि अपन सभी के थोड़े सेम है, तो इसमें अफ्रेड उसको स्केयर्स ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, बस अपने जो भी तैयारी चलती है, जो मेंस की तैयारी चलती है वो करो कंटिन्यू, देखते हैं किस किस का प्री क्लियर होता है किसका नहीं होता है, और सभी को यही है जैसे अभी कर रहे हैं, जैसे एक AFO के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, और कोई IIT के लिए कर रहा हूँ, कोई किसी के लिए कर रहा है, तो हमारे जो फील्ड है उसमें थोड़ा सा इंग्लिश का ऐसे रहता है कि इंग्लिश में पता नहीं कैसे क्या होगा, कौन सा आंसर कैसे क्या सही मानेंगे क्या होगा, तो ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आता उस सब्जेक्ट पे उतना, तैयारी तो करी थी एज ए, लेकिन उसमें थोड़ी सी होती है घबराहट की, पता नहीं क्या ही हो जाएगा इस बार, तो देखते हैं, बाकी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि सही जाएगा रिजल्ट, तो उसके अकॉर्डिंग मेंस की तैयारी चल रही है, और मैं तो आप लोग सभी लोगों से कहूँगा कि मेंस की तैयारी को कंटिन्यू रखें, बिकॉज ऑफ इफ़ अपना यदि रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो फिर अपन क्या करेंगे, है ना, तो मतलब पॉजिटिविटी को लेके और फिर चलो, बिकॉज नेगेटिविटी तो हर जगह है ही है, तो खुद ही अपन अपनी जो क्या कहते हैं उसे लाइफ के हसलर्स हैं और हर एक डिसीजन मेकिंग है, और अपने को लाइफ को आगे सर्वाइव करना है, तो बस पॉजिटिव रहो और बस कंटिन्यू अपने काम में लगे रहो, और मैं भी ये मैसेज आपको देने के साथ साथ खुद पे भी अप्लाई करूँगा, और काफ़ी ज़्यादा मचाएंगे अपन आने वाले टाइम में, सो स्टे ट्यून्ड विथ योवर डेस्टिनेशन, योवर गोल एंड योवर फ्यूचर, सो स्टे ट्यून्ड एंड विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू.